गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट है NCISM जो कि लेने लेके आ रही है, और उसके अंदर एक क्लॉज थी जिसके अंदर कि जो हमारे इंटीग्रेटेड जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन था उसके अंदर हमारे ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के अंदर 8 लाख से 9 लाख हमारे इंटीग्रेटेड प्रैक्टिशनर्स हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि वो डॉक्टर जो एलोपैथी प्लस आयुर्वेदिक दोनों ही तरह की प्रैक्टिस करके अपने पेशेंट्स को ठीक करते हैं। और हमारे जितने भी ग्रेजुएट्स हैं थ्रू आउट इंडिया, हमारे लो लेवल पे जितने हो गए, गाँव हो गए, शहर हो गए, कस्बे हो गए, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और बड़ी नॉमिनल रेट्स के ऊपर लोगों को अपनी सेवाएँ दे के उनकी हेल्थ को ठीक करते हैं। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नीति आयोग एक बिल लेके आ रही है उसके अंदर उन्होंने हमारे से ये हमारा अधिकार जो इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन का है ये वो छीन रहे हैं। तो हम इसके ही विरोध में कि उसको एज इट इज़ रखा जाए जैसे वो पहले था, उसके ही विरोध में हमने ये रोष प्रदर्शन किया है यहाँ पे। और पूरे इंडिया से हमारे यहाँ नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के बैनर के तरीके तले सारे पूरे इंडिया से ऐसे लोग हमारे यहाँ पे आए हैं, सब डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं। डॉक्टर साहब, ये जो MBBS में एलोपैथिक पढ़ाया जाता है या BMS या UMS या GMS का जो डिग्री कोर्स होता है, हाँ जी, क्या इसमें स्पेशल तौर से कि आयुर्वेदिक के बारे में ही बताया जाता है? ये हमारा डिग्री कोर्स होता है, 5.5 साल का हमारा भी कोर्स होता है, 4.5 हमारे थ्योरी होती है प्लस वन ईयर हमारा इंटर्नशिप होता है, जिसके अंदर हमारे दोनों तरह के सिलेबस पढ़ाए जाते हैं, आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता है और जो हमारे मॉडर्न मेडिसिन के जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजियोलॉजी होगी, पैथोलॉजी होगी, मेडिसिन होगी, गायनोकोलॉजी होगी, आई होगी, सर्जरी होगी, फार्माकोलॉजी हो गई, सब हमें पढ़ाया जाता है। तो दोनों सिस्टम से पढ़ाया जाता है तो दोनों, और उसकी हमें ट्रेनिंग भी दी जाती है। बाद में हमारी जो हमारी इंटर्नशिप होती है वो हमारे सिविल हॉस्पिटल्स के अंडर, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उसके अंदर हमारी इंटर्नशिप भी होती है 6-6 महीने के लिए। तो हमारे दोनों तरीके की हमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो हम अधिकार अपना ये नहीं मांग रहे कि हमें ये दिया जाए, जो हमारा अधिकार है जो हमें सिलेबस में पढ़ाया जाता है हम तो उसके लिए मार रहे हैं कि जो हमें पढ़ाया जाता है वो हमें करने दिया जाए, और वो अपने लिए नहीं, हम पूरे देश की जनता के लिए, जो इसकी सेवा के लिए, जो गरीब लोग हैं वो कैसे एक आप सोचिए कि एक कोई भी गरीब लोग को अगर उसका आती है उसको 200-300 रुपये वो कमाता है, क्या वो किसी भी डॉक्टर के पास जाके 300 रुपये की दवाई हर रोज़ में उसकी कंसल्टेशन फ़ीस दे के क्या अब वो कमा सकता है? नहीं, लेकिन सिर्फ वो टेस्ट ही इतने लग जाते हैं, उनकी कंसल्टेशन फ़ीस इतनी हो जाती है, लेकिन हमारे ग्रेजुएट जो हैं पूरे इंडिया के अंदर 100 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपीज़, 100 रुपीज़ इतने रेट में अंदर उनको मेडिसिन भी देते हैं और उनकी ट्रीटमेंट भी कर देते हैं। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? और ये आप सोचिए कि 8.5 या 10 लाख लोगों को एकदम से ही सिस्टम से हटा दिया अगर जाए तो हेल्थ सिस्टम बिल्कुल चरमरा जाएगा पूरे इंडिया का। क्या गवर्नमेंट के पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि वो इतने लोगों को इतने क्रिमिनल रेट्स पे, क्या सिविल अस्पताल्स के अंदर या जितने भी हमारे PSC CSC हैं क्या वो इतनों को केटर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और एक मैं आपको आंकड़ा देना चाहूँगा कि WHO की जो रिकमेंडेशंस हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो कहते हैं कि 400 पेशेंट्स के पीछे एक डॉक्टर होना चाहिए, और ये विडंबना है कि 70 साल के बाद भी आज, जिसमें ISM ग्रेजुएट्स को इंक्लूड नहीं किया गया, 1700 इंडिया की जो परसेंटेज है 1700 के बाद एक डॉक्टर है। तो 70 साल में अगर वो नहीं कर पाए, अगर इन लोगों को भी हम ISM ग्रेजुएट्स को भी उसमें जोड़ लिया जाए तो ये जो परसेंटेज बन जाएगी ये आ जाएगी 600-700। लेकिन आज तक उसके अंदर स्टैटिक्स के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे ग्रेजुएट्स को इसके अंदर नहीं जोड़ा है। तो हमारी ये उसमें कि गवर्नमेंट हमें ये परमिशन एज इट इज़ रखे, परमिशन नहीं मांग रहे हम, परमिशन कह रहे हैं कि जैसे ही है इसका स्टेटस क्यों रखा जाए, और हमें जैसे हम काम कर रहे हैं हमें लेवल के ऊपर, लो लेवल के ऊपर हमें काम करना चाहिए। तो ये इसीलिए हम यहाँ पे सब लोग इकट्ठा। डॉक्टर साहब, आपको कैसे पता लगा कि बिल के अंदर ये संशोधन हुआ है? सर, ये 3-4 महीने पहले काउंसिल है हमारी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें सबके वो मांगे थे, विचार मांगे थे पूरे ऑफ इंडिया से मांगे थे, तो अब हमें पता चला कि इसके अंदर से ये क्लॉज हटा दी गई है, तब हमें पता चला था।